मिशन 2022 की ओर नेशनलिज्म और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों के साथ साथ लगातार नई नई योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधे लाभ पहुंच रहा है। एक के बाद एक विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिनमें कुछ बड़े स्तर पर हैं तो कुछ छोटे स्तर पर। विकास कार्यों के साथ साथ जन कल्याण योजनाओं को भी धार दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। साल 2014 से बीजेपी की रणनीति है समाज और विकास। ये रणनीति कामयाब ही रही है और उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं दो मुद्दों के बीच बीजेपी के विकास कार्य जोरों पर हैं। इसमें पहला मुद्दा है प्रदेश विकास कार्य और दूसरा अहम मुद्दा है जन कल्याण विकास। जब प्रदेश विकास की बात आती है तो सबसे पहला मुद्दा आता है हिंदुत्व की आस्था से जुड़े राम मंदिर का। 9 नवंबर साल 2019 को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। अब एक साल पूरा होने पर योगी आदित्यनाथ सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर दारोमदार संभाल रहे हैं। समय समय पर सीएम और पीएम दौरा करके निर्माण कार्यों का जायजा लेते रहते हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है और 2023 के अंत तक रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और श्रद्धालु दर्शन भी कर सकेंगे। वहीं पूरे 70 एकड़ का विकास कार्य 2025 तक कर लिया जाएगा। इसका मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की नव निर्मित रामलला भूमि, करोड़ों भक्तों की आस्था का ये भव्य मंदिर नया स्वरूप लेता जा रहा है। अयोध्या के विकास का जो खाका तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। अयोध्या के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में अधिकारी मंदिर की बुनियाद का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरी जा रही है। 50% से ज्यादा काम अब तक पूरा हो चुका है। अब तक 25 लेयर भरी जा चुकी हैं। 15 सितंबर तक बुनियाद भरे जाने की समय सीमा राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दे दी गई है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। 2014 से अब तक सफल रणनीतियों पर कार्यरत सीएम योगी आदित्यनाथ, नेशनलिज्म, हिंदुत्व और डेवलपमेंट का रखा सफल एजेंडा। 2023 तक दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएगा रामलला मंदिर। 50% से ज्यादा पूरा हो चुका है मंदिर का बुनियादी काम। अक्टूबर से होगा मंदिर के बेस का निर्माण। मंदिर में लगेंगे बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट स्टोन। मिर्जापुर से मंगाया जाएगा बलुआ पत्थर। ललितपुर या जयपुर से मंगाया जाएगा ग्रेनाइट पत्थर। 70 एकड़ का विकास कार्य 2025 तक कर लिया जाएगा। अयोध्या नगरी के साधु संतों के सुझाव भी मास्टर प्लान में शामिल। 2025 तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पूरी तरह से विकसित होगा। अक्टूबर महीने से मंदिर के बेस का निर्माण शुरू होगा, जिसमें मिर्जापुर के बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट स्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा। बरसात का पानी बुनियाद भरे जाने वाले विशाल भूखंड में प्रवेश ना करे, इसके लिए उसे प्लास्टिक से पैक कर चाक चौबंद कर लिया गया है। मंदिर निर्माण के लिए विशेषज्ञों की टीम लगातार राम जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद रहती है। L&T, टाटा कंसल्टेंसी और बालाजी के इंजीनियर मंदिर की मजबूती को ध्यान में रखते हुए निर्माण का काम कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की प्राथमिकता है कि मंदिर हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे और उस लिहाज से मंदिर का निर्माण किया जाए। ग्रेनाइट पत्थर ललितपुर या जयपुर राजस्थान से मंगवाया जाएगा। बारिश का पानी सोखने के लिए ग्रेनाइट पत्थर लगाया जाएगा। मंदिर के स्तंभ के नीचे के हिस्से के लिए मिर्जापुर के पत्थर का उपयोग किया जाएगा,
इसका पहला जत्था परिसर में पहुंच चुका है। वाटर प्रूफिंग के लिए चारों ओर ग्रेनाइट पत्थर की 3 लेयर लगाई जाएंगी। राम मंदिर के परकोटा यानी चार दीवारी के लिए जोधपुर पत्थर का उपयोग करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा और भी सुविधाएं होंगी। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, संग्रहालय, अभिलेखागार, अनुसंधान केंद्र, सभागार, गौशाला, यज्ञशाला, प्रशासनिक भवन शामिल है। बुनियाद भरे जाने की सीमा 15 सितंबर दी गई थी और उससे 2 दिन पहले ही काम खत्म करने की तैयारी की जा रही है। योजना यह है कि 2023 तक भंगवार राम का भव्य मंदिर बनाकर तैयार किया जाएगा और भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। इन योजनाओं से बनेगी दिव्य अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 1200 एकड़ में नव अयोध्या, अयोध्या में 6 भव्य प्रवेश द्वार, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, पर्यटन सुविधा केंद्र, सरयू तट का विकास, स्मार्ट रोड, रिंग रोड, सोलर सिटी, वाल्मीकि रामायण कालीन वृक्षों का रोपण, मंदिर मॉडल की तरह रेलवे स्टेशन। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बीजेपी के सर्वमान चेहरा बन गए हैं, बल्कि वही प्रदेश में मुद्दों और चर्चाओं की दिशा तय कर रहे हैं। योगी सरकार में सिर्फ पर्यटन स्थलों का ही विकास और पुनरुद्धार नहीं करके इसके अलावा योगी प्रदेश को सर्वांगीण विकास की राह पर ले जा रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगारों या फिर गरीब या फिर महिला सुरक्षा और उनका विकास योजनाओं के जरिए योगी सरकार लगातार लोगों को सीधे लाभ पहुंचा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के